Hello dear students, I am Shivam Pandey and I welcome to all of you in our academy, Spectra Academy. Today I am going to deliver a lecture on chemical kinetics topic. You will find my video lecture in Hindi and English both languages, but this video lecture is especially in Hindi language for UP Boards class 12. Chemical kinetics में जो kinetics term है, जो kinetics शब्द है, वो एक Greek शब्द, मैंने यहाँ पे G लिखा हुआ है, G for Greek. ग्रीक शब्द काइनेसिस से हुआ है, तो काइनेसिस जिसका मतलब होता है हिंदी में गति, इस काइनेटिक्स टर्म की जो उत्पत्ति है, जो व्युत्पादन है, वो काइनेसिस से हुआ है. काइनेसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी में गति. इसका मतलब कि कोई केमिकल है जो गति में है. केमिकल का गति में होने का अर्थ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन कोई किसी स्पीड में है और आप उसको निर्धारित करेंगे. इसका मतलब कि रासायनिक बलगत की, केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति का निर्धारण करेंगे. अपितु रासायनिक अभिक्रिया की गति का ही नहीं, आप रासायनिक अभिक्रिया की गति पर प्रभाव डालने वाले कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रताएं, अभिकारक या उत्पाद की दोनों की सांद्रताएं हो सकती हैं, तो सांद्रताएं कैसे प्रभावित करती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को, आप इनका भी अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे. मैं आपको बताऊं कि ये केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक साम्यावस्था या उष्मागतिकी से कैसे भिन्न है. रासायनिक साम्य जो है केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि अभिक्रिया की हद क्या होगी, अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण करता है, न कि अभिक्रिया की गति का. मैंने आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स ही बताता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को, केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ अभिक्रिया की सीमा को बताता है कि अभिक्रिया किस सीमा तक होगा, ये नहीं बताता कि अभिक्रिया कितनी स्पीड से होगा. अभिक्रिया की स्पीड सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स बताता है. उष्मागतिकी क्या बताता है, तो उष्मागतिकी बताता है कि जिन भी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, मतलब जीरो से छोटा होगा डेल्टा जी का मान, वो अभिक्रियाएं हमेशा संभव मानी जाती है. इसका मतलब कि कोई भी रिएक्शन संभव है या नहीं, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा, ये बताता है उष्मागतिकी. उष्मागतिकी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की संभावना को बताता है, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक अभिक्रिया की सीमा को बताता है, और केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक अभिक्रिया की गति को बताता है. अब इस उष्मागतिकी में डेल्टा जी क्या है, तो डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन. आपने कक्षा 11वीं में उष्मागतिकी चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस. इसमें डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है. इस इक्वेशन को गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, इसलिए इस इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. अगर इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से इस डेल्टा जी का मान अगर फाइंड किया जाए, तो डेल्टा जी का मान अगर जीरो से छोटा आता है, दैट इज ऋणात्मक आता है, तो उसका मतलब है कि वो अभिक्रिया हमेशा संभव होगी. और अगर वो अभिक्रिया संभव है तो वो किस सीमा तक संभव है, तो ये बताएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और वो कितनी स्पीड से होगा ये बताएगा केमिकल काइनेटिक्स. इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं की उनकी गति के आधार पर अभिक्रियाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती है. जैसे गति के आधार पर मैंने लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं को, कि पहला है अतिमंद अभिक्रिया, पहला नंबर, दूसरा है मध्यम गति की अभिक्रिया, और तीसरा नंबर अति तीव्र अभिक्रिया. अत्यंत मंद अभिक्रियाएं को होने में सालों लग सकते हैं, या मंथ लग सकता है, या वीक लग सकते हैं. तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी गति से होती हैं उनको बोला जाता है अत्यंत मंद अभिक्रिया. इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, या पत्थर का क्षरण, पत्थर के क्षरण से बालू का बनना, या बालुओं के क्षरण से और महीन मिट्टी का निर्माण होना. दूसरा है मध्यम गति की अभिक्रिया. मध्यम गति की अभिक्रियाओं को होने में मोस्टली एक दिन, दो दिन, या एक घंटे, दो घंटे, पाँच घंटे, ऐसे समथिंग लग सकते हैं. इनको इंग्लिश में कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम गति की अभिक्रियाएं. इसके एग्जांपल्स हैं किण्वन, किण्वन मतलब कि अल्कोहल का बनना,
आप चावल से या सुगर से या ग्लूकोज फ्रक्टोज से आप एल्कोहल का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, और फर्मेंटेशन एक मध्यम गति की अभिक्रिया है। या दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन रहा है तो उसको भी होने में मोस्टली एक दिन लग जाता है, तो ये भी मध्यम गति की अभिक्रिया है। तो मध्यम गति की अभिक्रियाओं को होने के लिए मोस्टली एक घंटे दो घंटे या एक दिन का भी समय लग सकता है। और तीसरा नंबर है अति तीव्र अभिक्रिया। तो अति तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं जिनको होने के लिए सेकंड या सेकंड के हजारवें भाग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाते हैं, उन सभी रिएक्शन को कहा जाता है अति तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। वेरी फास्ट रिएक्शन में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर आप AgNO3 एक्वस फॉर्म में होगा, इसका जली विलयन होगा, अगर आप AgNO3 के जली विलयन की अभिक्रिया करा देते हैं साधारण नमक से NaCl से करा देते हैं तो बन जाता है AgCl अवक्षेपित हो जाता है। मैंने तीर नीचे की तरफ बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि वो अवक्षेपित हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसका PPT बन जाता है और NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो ये AgNO3 प्लस NaCl की जो अभिक्रिया है ये बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है वेरी फास्ट, इसीलिए इसको कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। इसके बाद अब बात करते हैं कि अभिक्रिया की गति कैसे निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहले कि जो अत्यंत मंद अभिक्रियाएं हैं या जो अत्यंत तीव्र अभिक्रियाएं हैं इनकी अभिक्रिया की गति का निर्धारण नहीं किया जाता, किया तो जा सकता है पर करते नहीं है, इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो बहुत ही स्लो रिएक्शन होने वाले हैं उनके भी रेट को मेजर करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, और जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होने वाले हैं उनके भी रेट को मेजर करना हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि वो सेकेंड के हजारवें भाग या उससे कम समय में हो जाते हैं तो उनके लिए भी रेट का निकालना जरूरी नहीं है, स्पीड निकालना जरूरी नहीं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो आप सिर्फ मध्यम गति की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की वेग का निर्धारण करेंगे, सिर्फ मध्यम गति की अभिक्रिया का वेग ही मात्र निर्धारित करेंगे आप इस पूरे टॉपिक में। तो मैथमेटिक्स के अनुसार जो चाल है, चाल या इसको आप गति भी कह सकते हैं, ये बात अलग है कि चाल और गति में बहुत फर्क है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है। एक तो अभिक्रिया की जो गति है, चाल गति वेग आप कुछ भी बोल सकते हो, या इसको आप दर भी कह सकते हो, इसको आप दर भी कह सकते हो। तो जो चाल गति वेग या दर बराबर होता है वो होता है दूरी बटा समय। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है दूरी बटा समय। पर अगर आप रासायनिक अभिक्रिया के लिए कहते हैं कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड में ये दूरी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई अभिक्रिया डिस्टेंस को ट्रेवल करता नहीं है, तो जब वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता तो उसके लिए आप दूरी नहीं लिखेंगे। तो आप दूरी की जगह क्या लिखेंगे, तो दूरी की जगह आप लिखेंगे अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, तो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की दर या चाल बराबर, रासायनिक अभिक्रिया की दर या चाल बराबर, आप वेग भी लिख सकते हैं, आप गति भी लिख सकते हैं, बराबर अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रताओं, उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन में परिवर्तन बटा लिया गया समय। कि अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन में कितना समय खर्च हुआ वो नीचे लिया गया समय है, या आप सिर्फ नीचे समय भी लिख सकते हैं या समयांतराल भी लिख सकते हैं, आप चाहे लिया गया समय लिखिए या आप समयांतराल भी लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर आपको दर निर्धारित करनी है तो आपको दूरी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन, चाहे आप अभिकारकों के लीजिए चाहे आप उत्पादों के लीजिए उनके सांद्रताओं में परिवर्तन लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे लिया गया समय या समयांतराल। अगर मान लें कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में ए
आपका अभिकारक है और यह पे तीर बना हुआ है, इसको आप उत्पाद चिन्ह बोलेंगे, यील्ड साइन कहेंगे, और ये बी आपका उत्पाद है। तो अगर ये कोई मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ए आपका अभिकारक और बी आपका उत्पाद है। इसमें अगर अभिकारक की सांद्रता को हम बात करें तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, देखो सांद्रता को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता को ही प्रदर्शित करता है। इस अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्टेंट का जो पहला टर्म है रिएक्टेंट्स का जो पहला अक्षर है वो है कैपिटल आर, तो हम कैपिटल आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर का मतलब ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट को हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्टेंट की सांद्रता है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता को प्रदर्शित करता है और ये आर आपका रिएक्टेंट को प्रदर्शित करता है। यहाँ जो बी है वो उत्पाद है, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो पहला लेटर है वो है पी, पी को हम लिख लेते हैं और पी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हमने तब्दील किया तो हो गया ये उत्पाद की सांद्रता, क्योंकि ये ब्रैकेट बताता है आपका सांद्रता को, और जबकि जो पी है वो बताता है आपके उत्पाद को, इसका मतलब ये उत्पाद की सांद्रता हो गई और ये रिएक्टेंट की सांद्रता हो गई। तो उत्पाद की सांद्रता को ब्रैकेट में पी और रिएक्टेंट की सांद्रता को ब्रैकेट में कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम निकालते हैं अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर बराबर, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो सबसे पहले हम आपको निर्धारित करके दिखाते हैं कि अगर मान लें कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत R1 जो है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है, ये R1 अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है, स्टार्टिंग टाइम में इसकी सांद्रता है, इसलिए इसके नीचे मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1, इसके पादांक हमने 1 लिखा है, इस 1 का मतलब है कि वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। और यहां पे मैं लिख देता हूं P1 लिख देता हूं, P1 को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये बताता है उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता, ये P1 उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता और ये R1 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ये प्रारंभिक सांद्रता कब है, तो जब टी, ये T1 टाइम पर है, जब T1 समय था, जब प्रारंभिक समय था उस समय के लिए। मान लेता हूं कि कुछ सेकंड्स बाद, कुछ टाइम बाद T2 समय में, जब मैं T2 समय में देखता हूं तो T2 समय में जो अभिकारक की सांद्रता है वो हो जाता है R2। ये अभिकारक की अंतिम सांद्रता हो सकती है या मिडिल की और कोई भी सांद्रता हो सकती है, ये R2 अभिकारक की अंतिम सांद्रता, और यहां पे ये P2 उत्पाद की अंतिम सांद्रता। तो ये T1 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और ये उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता, और अंतिम समय T2 पर ये R2 अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता और ये उत्पाद की अंतिम सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बराबर तो उसकी अंतिम सांद्रता माइनस उसकी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता है वो है R2 अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अगर आप उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दिखाना चाहते हैं, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तो होगा उत्पाद की अंतिम सांद्रता मतलब P2 माइनस उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता मतलब P1। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1, अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बराबर उत्पाद की अंतिम सांद्रता माइनस उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता। अगर ऐसे ही आप समय में परिवर्तन निकालना चाहते हैं, समय में परिवर्तन
या समयांतराल जिसे आप कहते हो, वो समयांतराल बराबर होगा अंतिम समय t2 माइनस t1 अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे स्मॉल t लिखना है, कहीं कैपिटल t नहीं लिखेंगे आप। कैपिटल t लिख देंगे तो उसका मतलब तापमान हो जाएगा, जबकि आप अगर स्मॉल t हर जगह लिखते हैं तो उसका मतलब आपका समय हो जाएगा। इसमें अगर ये अभिकारक की अंतिम सांद्रता है माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा ब्रैकेट में आर, इसका मतलब कि संपूर्ण रिएक्टेंट में हुआ परिवर्तन। ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा निशान बताता है परिवर्तन को, ये डेल्टा बता रहा है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। इस बार ब्रैकेट सांद्रता है, आर आपका रिएक्टेंट है मतलब अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता, और ये डेल्टा बता रहा है परिवर्तन को मतलब अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, सपोज अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, ए से कोई अभिक्रिया बी हो रही है, तो निरंतर ए की जो मात्रा है, जो अभिकारक है, वो लगातार घटता जाता है, इसकी सांद्रता सदैव कम होती जाती है। वहीं उत्पाद बनकर के तैयार होता है मतलब उत्पाद निरंतर बढ़ता जाता है, उत्पाद की सांद्रताएं निरंतर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता लगातार घटेगी और उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ेगी, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इसकी सांद्रता घट रही है, और इसमें भी परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इसकी जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। तो हमने लिखा कि R2 माइनस R1, तो क्या हुआ डेल्टा ब्रैकेट में R, इसका मतलब कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अभी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो आप जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब अभिकारक की सांद्रता निरंतर घटती जाती है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस डेल्टा आर का मतलब है, ये माइनस ही बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता लगातार घट रही है। वही उत्पाद निरंतर बनता जाता है, उत्पाद हमेशा बढ़ता है, अपनी मात्रा में वृद्धि करता है, उत्पाद सांद्रता में वृद्धि करता है, तो अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ये प्लस साइन ये बताता है कि अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की सांद्रता में जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता निरंतर बढ़ रही है। वही t2 माइनस t1, ये हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा टी बताता है समय परिवर्तन को। तो ये हो गया R2 माइनस R1 माइनस डेल्टा आर, ये माइनस बता रहा है कि निरंतर अभिक्रिया की सांद्रता घट रही है, परिवर्तन जो हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है, उसके परिवर्तन में कमी आ रही है, मतलब अभिकारक की सांद्रता निरंतर कम हो रहा है, और इसमें प्रोडक्ट की सांद्रता है निरंतर बढ़ रहा है, उत्पाद की सांद्रता में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जो समय है वो डेल्टा टी है, मतलब समय परिवर्तन जो है वो डेल्टा टी, ये समय अंतराल है, ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है, और ये अभिकारक की सांद्रता में निरंतर कमी है। तो अगर आप अभिक्रिया की वेग का निर्धारण कर रहे हैं, तो अभिक्रिया की वेग के निर्धारण में आप कैसे लिखेंगे, आपको दिखाऊं, तो आप लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, आप वेग लिखिए या दर लिखिए, अभिक्रिया का वेग या दर बराबर, अब आप लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आपने देखा था माइनस डेल्टा आर, ये क्या बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्योंकि जब कोई अभिक्रिया हो रही है ए से बी, तो हमेशा ये अगर अभिकारक है, अगर ये अभिकारक है तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो निरंतर कम हो रही है, इसलिए हमने लिखा माइनस डिवाइडेड बाय समयांतराल। समयांतराल क्या था, समयांतराल था डेल्टा टी, समयांतराल था डेल्टा टी, स्मॉल टी आप हर जगह लिखेंगे, कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया समयांतराल। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, या लिया गया समय। वही एक और फॉर्मूला बन सकता है अभिक्रिया का वेग या दर बराबर, अब आप लिखेंगे प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसका मतलब कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये पी जो है प्रोडक्ट है, और ये प्लस बता रहा है कि वृद्धि हो रही है, उत्पाद की सांद्रता में निरंतर वृद्धि हो रही है बटे समय अंतराल। तो ये जो आपका बी है, ये अगर उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता सदैव बढ़ रही है और इसकी सांद्रता निरंतर घट रही है, तो उत्पाद हमेशा बढ़ता जाता है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, और डेल्टा पी है, डेल्टा पी बता रहा है कि प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मतलब समय अंतराल, क्योंकि अभिक्रिया का वेग बराबर फॉर्मूला था, अभिक्रिया का वेग क्या है आप बोल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर फॉर्मूला था अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन बटे लिया गया समय या समय अंतराल। ये ए अभिकारक और बी आपका उत्पाद है। अब ये जो अभिक्रिया का जो दर है वो दो प्रकार का होता है,
एक तो औसत में अभिक्रिया की जो दर है वो औसत दर, और दूसरी है तात्क्षणिक दर। औसत दर क्या है? तो जब आप अभिक्रिया की सभी दरों को कलेक्ट करके, सभी दर, क्योंकि अभिक्रिया एक स्पीड से तो चलती नहीं है, हो सकता है कि अभिक्रिया कुछ देर चलने के बाद धीमी पड़ जाए, तो कभी कभी अभिक्रिया धीमी पड़ जाती है, तो कभी तेज हो जाती है, फिर कभी धीमी, फिर कभी तेज, तो ऐसे आपको एग्जैक्ट अभिक्रिया की दर तो पता नहीं चलेगी, तो आपको निकालना पड़ता है औसत दर। तो अभिक्रिया की औसत दर पहले आप निकालेंगे, तो अभिक्रिया की औसत दर निकालने के लिए आप अभिक्रिया की सभी दरों को आपस में जोड़ेंगे और सभी दरों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे पूरा लिया गया समय। जैसे अभी आपको मैंने फॉर्मूले में दिखाया डेल्टा माइनस आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये औसत वेग निकालने के लिए, किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है। मैं इसके नीचे छोटा सा लिख देता हूँ एवी, एवी फॉर एवरेज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एवी, एवी फॉर एवरेज, एवरेज मतलब औसत। यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग बराबर, औसत वेग बराबर है वो है डेल्टा पी पॉजिटिव में, क्योंकि अभी उत्पाद की सांद्रता निरंतर बढ़ती जाती है, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी मतलब समयांतर। आप अगर किसी भी अभिक्रिया की अगर आप तात्क्षणिक वेग निकालना चाहते हैं, तात्क्षणिक वेग क्या है? तो तात्क्षणिक वेग ऐसा कोई वेग जिस भी आप समयांतराल पर वेग निकालना चाहते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया संभव हो रही है, कोई अभिक्रिया चल रही है, तो अभिक्रिया के 20 मिनट बाद अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, या अभिक्रिया के 21वें मिनट में अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, या 18वें सेकंड में अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी। तो अगर आप अलग अलग टाइम पे, हर एक टाइम पर अगर आप अभिक्रिया की स्पीड की गणना करते हैं, अभिक्रिया के वेग की गणना करते हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया की वेग की गणना हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग किसी विशिष्ट समय पर किया गया अभिक्रिया के वेग का परीक्षण है, वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन मतलब तात्क्षणिक वेग बराबर आप फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहां पर आप जो डेल्टा लिखते थे, अब वो आप डेल्टा नहीं लिखेंगे, अब वहां पर आप डी लिखेंगे, क्योंकि तात्क्षणिक वेग में जो परिवर्तन होता है आपके अधिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में या समयांतराल में, वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, और अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए आप डेल्टा नहीं डी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिखेंगे प्लस डी रिएक्टेंट, प्लस डी रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डी टी। ये बताता है कि अभिक्रियक या अभिकारक की सांद्रता में, सॉरी यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता सदैव घट रही है, तो यहाँ पे निगेटिव, तो ऋणात्मक डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। ये बताता है कि अभिक्रियक के लिए, अभिक्रियक की सांद्रता में निरंतर कमी के लिए जो तात्क्षणिक वेग है वो होगा माइनस डी आर बाई डी टी। और वहीं आप एक और निकाल सकते हैं तात्क्षणिक वेग बराबर, तो तात्क्षणिक वेग बराबर आप निकाल सकते हैं उत्पाद के रिस्पेक्ट में, तो निकलेगा प्लस डी पी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए फॉर्मूला है, जबकि ये जो अभिक्रिया की दर है वो औसत है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये दोनों तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए है, और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ये अभिकारक या आपके उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो है वो औसत दर से निकालते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले जो है आपके वो तात्क्षणिक वेग से निकालते हैं। अभिक्रिया की जो दर है, अगर आप इसके लिए इकाई निकालना चाहते हैं कि अभिक्रिया की दर के लिए इकाई क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, चाहे कोई इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन हो, अगर आप उसके लिए इकाई निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले से मैं डिराइव करा के आपको दिखाता हूँ। आप जानते हैं ना सांद्रता में परिवर्तन होता है, सांद्रता में परिवर्तन किसी सांद्रता, चाहे वो अभिकारक हो, चाहे वो उत्पाद हो, किसी की भी सांद्रता में परिवर्तन हो, और बटे समयांतराल हो, तो अगर आप उसके लिए इकाई निकालना चाहते हैं तो इकाई होगा, जानते हैं आप सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता में परिवर्तन इसका मतलब है मोल प्रति लीटर, तो आप लिखेंगे मोल प्रति लीटर हो गया, और ये डिवाइडेड बाई समयांतराल को आप लिखेंगे टी इनवर्स, ये हो गया मोल प्रति लीटर प्रति समय। ये आपके अभिक्रिया के वेग के लिए, आप इस टी की जगह सेकंड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे पर सेकंड, ये पर सेकंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। तो इकाई बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या मोल प्रति लीटर प्रति समय आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये हुई अभिक्रिया के वेग की इकाई। अब अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करते हैं? तो अभिक्रिया की वेग को मुख्यतः पांच ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पांचों कारकों का मैं नाम लिखता जाता हूं। पहला जो कारक है वह है सांद्रता। सांद्रता अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है। दूसरा है अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाला कारक ताप। ताप अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है। तीसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। चौथा है प्रकाश। प्रकाश भी अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है। और पांचवा नंबर है दाब। दाब भी अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है। पर यह दाब सिर्फ और सिर्फ गैसों के लिए है। जब अभिकारक गैस स्टेट में हो, यह सिर्फ गैसों के लिए है। तो जब अभिकारक या उत्पाद सिर्फ गैस प्रावस्था में हो तो उसके लिए मात्र हम दाब का गणना करेंगे। दाब जो है अभिक्रिया की स्पीड को प्रभावित करता है, जबकि किसी लिक्विड के लिए या ठोसों के लिए जो दाब का प्रभाव होता है वो बहुत ही अल्प होता है, तो उसको हम मेजर नहीं करते। तो ऐसे पांच ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे पांच ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। इनमें से सबसे पहले है सांद्रता कंसंट्रेशन, फिर है दूसरा ताप टेम्परेचर, तीसरा है उत्प्रेरक कैटलिस्ट, चौथा है प्रकाश लाइट, और पांचवा है दाब। दाब सिर्फ गैसों के लिए है, जबकि सांद्रता ताप उत्प्रेरक या प्रकाश ठोस द्रव गैस तीनों के लिए।